आप देख रहे हैं नीना व्लॉग्स और आज है हमारा सफ़र सवात से यानी सैदू शरीफ से चित्राल का जो 8 घंटे का सफ़र है अभी सुबह के हम यहाँ से निकल रहे हैं चित्राल के लिए। बीच में स्टे करते करते जाएंगे, रास्ता बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर, तो देखते हैं। अब चलो, अभी ये चेक पोस्ट है। अच्छा चित्राल ये ऊपर बोर्ड पर लिखा है चित्राल 222 किलोमीटर 222। अभी हमने यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लिया है, हम अभी पेट्रोल के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये जगह है खाल और यहाँ से 5.5 घंटे का मज़ीद रास्ता है चित्राल के लिए, तो फिर हम यहाँ से जा रहे होंगे। अभी हमने अभी स्टे किया हुआ है ये दीर में, अपर दीर में, और यहाँ से फिर मज़ीद 4 घंटे हैं चित्राल के लिए, तो फिर हम वहाँ जा रहे होंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। हाँ ता बहुत बड़ी और बहुत अच्छी टनल्स भी मिलेंगी। अब एक जो 9 किलोमीटर की है ऑलमोस्ट, और दूसरी जो है वो 3 किलोमीटर के करीब करीब है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बनाई है कि आप स्मूथली जो है चित्राल तक पहुंच सकते हैं। अब रास्ता इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। तो अभी अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं पामीर चित्राल, और अब रात के 8 बज रहे हैं। अभी वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम सुबह आपको इसका फिर पूरा व्यू इंशाल्लाह कराएँगे। अगर आप सुबह सुबह उठे और आपकी आंख खुले इस नज़ारे के साथ, तो फिर तो क्या ही बात है। सामने गार्डन है, आगे दरिया बह रहा है, उसके पीछे ये प्यारा सा बर्फ़ का पहाड़, ज़बरदस्त। तो अब हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं देखने के लिए सही से कि व्यू है क्या। यहाँ पे हैं गुलाब के फूल और ये सामने है दरियाए चित्राल। यहाँ से देखें तो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, उसके पीछे ये बर्फ़ का पहाड़ है, सामने थोड़ी असी आबादी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। पीछे धुआं उठ रहा है थोड़ा, आपने देखा है? आपने नहीं देखा मैंने? ये क्या है? दरिया। लोकेशन को ही कैसे मिस कर सकते हैं, मतलब अभी मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मैं पानी को हाथ लगा के देखूँ कि ये कैसा है। ठंडा, तो जी ये है वो जगह जहाँ पे अभी हम ठहरे हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खूबसूरत सा बनाया है। और इसमें बहुत मज़े की चीज़ है जो अभी हम आपको दिखाते हैं। मज़े की मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बिल्डिंग है। एक तो यहाँ हरियाली बहुत है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन जाहिर है जहाँ हरियाली होगी वहाँ फिर साथ में कीड़े भी तो होते हैं। और ये 1996। अच्छा वैसे मैं सोचती हूँ कि अगर वो जो ऊपर घर बना हुआ है
वो बेचारे ऊपर जाते कैसे होंगे, जाते होंगे तो फिर नीचे कैसे आते होंगे, या एक ही बार जाके ऊपर बैठते होंगे। मतलब रास्ता तो होगा लेकिन फिर भी बहुत ऊंचाई पे है ये। मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो ये मीना के शूज़ हैं और अब हम नाश्ता करके आ गए हैं और ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे हमारा रूम है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब सामने पीछे पहाड़ हैं, ये वो बिल्डिंग है, यहाँ सारा ये गार्डन है, सब कुछ हरियाली है, पीछे और भी पहाड़ हैं, और ये है दरिया, बिल्कुल हर रूम के बाहर ये दरिया मतलब नज़र आता है। तो आज का जो व्लॉग है हम फ़िलहाल यहीं इख्तिताम पज़ीर करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाएगा। हमारा अभी जो प्लान है वो ये है कि यहाँ पे जो चित्राल में और भी खूबसूरत खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहें हैं वहाँ हम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और हमारा व्लॉग भी वहीं का बन रहा होगा फिर। हाँ तो हम वहाँ पे विज़िट करेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ये वाला व्लॉग सिर्फ स्वाट टू चित्राल ट्रैवलिंग के ऊपर है। सो वी होप टू सी यू गाइस इन आर नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अरे दरिया।